लगेगा। हमारा भी परछा यहाँ गड़ा है, हमारा डेरा यहाँ लगेगा। अच्छा तो ऐसा करें कि जिसका सरदार पहले यहाँ से अपना परछा उखाड़ लेगा उसी का डेरा यहाँ लगेगा। मंजूर है ये शर्त। हमारी जीत हुई। अंगारा की माँ, तुमसे कितनी बार कह चुका हूँ कि अंगारा हमारा बेटा है, जर्गे और गड़ी का सरदार है। अगर अभी से जमा मर्दी ना आई इसमें तो इतने बड़े जर्गे की सरदारी कैसे करे। आज का मुकाबला ऊंटों की दौड़ होगी। इस मुकाबले में जिसकी जीत होगी उसी के जर्गे को इस साल ये उड़ता बाज पक्षी इनाम में दिया जाएगा। लानत है तुझे, एक लड़की से हार गया। चली कहा? मेरा हाथ पकड़ते हुए शर्म नहीं आती? तुमने कहा था लड़ाई में हर चीज जायज है, मैं कहता हूँ मोहब्बत में हर चीज जायज है। अगर दुनिया में मोहब्बत पाप है तो पुण्य क्या है? मोहब्बत करने के लिए क्या अपने जर्गे की तमाम लड़कियां मर गई थी? सिर्फ दुश्मन की लड़की के साथ मोहब्बत करने से पुण्य मिलता है। सरदारी, आपस की दुश्मनी कब तक चलती रहेगी? देख ये दोनों दुश्मन कैसे लड़ रहे हैं। तू जानता है ना इनकी दुश्मनी कब खत्म होगी? हाँ, आपस में लड़ते लड़ते जब दोनों मर जाएंगे तब। बेशक। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि सरदार शैपाल ने मेरे बाप से तुम्हारे साथ मेरी शादी करने का वादा किया। याद रखना, इसका बदला जरूर लूंगा। मर गए बदला लेने वाले, जाता है या मार दूं गोली। पहले मुझे गिरफ्तार करवाया और अब छुटकारा दिलाने आई हो। ढोंगी? नहीं, मैं ढोंगी नहीं। विक्रम, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। गलत? तो जवाब दो कि तुम मेरी गिरफ्तारी के वक्त चुप क्यों हो गई थी? मजबूरी ने मुझे चुप कर दिया था। एक तरफ बाप की इज्जत थी, दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। मोहब्बत? चुप है तू, वहां से बचकर वापस कैसे चला आया? सिपाहियों, इस बेईमान को पागल ऊंट से बांधकर बेमौत मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ दो। अंगारा बिटिया ने सुलेखा जिले दिखाकर लड़ाई बंद कर दी और शादी मंजूर कर ली। बहादुर, सवारी का इंतजाम करो। सवारी की कोई जरूरत नहीं। मगर तुम्हारा घर तो बहुत दूर है। शायद आप भूल गए, आप ही ने मुझे भिखारी कहा था और आपको मालूम है कि भिखारी को पैदल ही चलना पड़ता। मैं अभी पानी लाती हूँ। खबरदार जो तूने उसे पानी पिलाया। तू पति का हुक्म ठुकराती है। मैं पहले इंसान हूँ, उसके बाद पत्नी। जो इंसानियत का धर्म न पाल सके वो पति पत्नी माँ बहन किसी का भी धर्म नहीं पाल सकता। रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा।